उठो तो ऐसे उठो, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे, बंदगी भी नाज करे। स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पहले ही प्रयास में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को, किसी भी प्रवेश परीक्षा को, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्रैक करें, किन बातों का ध्यान रखें कि दोस्तों आप अपने पहले ही प्रयास में सफलता को अर्जित करें, अपने मुकाम को हासिल करें, अपने भविष्य को सुनहरा बनाएं, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। तो दोस्तों आज हम इन्हीं बिंदुओं पर आपसे बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो में चलने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, अगर आप उनको लागू करने में सफल हो गए तो बिल्कुल दोस्तों इसके बाद आपको कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों आपको एपीएम क्लासेस की तरफ से मेरा खुला चैलेंज है दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, मेरी कही हुई बातों को आप फॉलो कर लेते हैं और अपने आप को अगर इससे आप कनेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों आप कोई अदर वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उस परीक्षा के सिलेबस को देखें कि परीक्षा में क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि हम में से हर कोई चाहता है कि हम एक अधिकारी बने, हम यूपीएससी क्रैक करें, हम एक सिविल सर्वेंट बने। दोस्तों चाहे वो बच्चा पढ़ने में डल हो, चाहे वो बच्चा पढ़ने में मीडियम हो, चाहे वो बहुत मेधावी बच्चा हो, बहुत ही तेज बच्चा हो, हर किसी का ड्रीम होता है कि हम जिलाधिकारी बने, डीएम बने, एक जिले के मालिक बने। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी इस बात को ध्यान से सोचा है कि जो डीएम बनता है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी बनता है, सिविल सर्वेंट बनता है, आप में और उसमें अंतर क्या है? देखिए दोस्तों, आप में उसमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि वो अपनी चीजों को करता है, हम बस सोचते हैं, वो करके दिखाते हैं, वो उन चीजों से गुजर जाते हैं जिन चीजों से हम बचना चाहते हैं, जिन चीजों से हम बचना चाहते हैं। तो यही काम आपको नहीं करना है। जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करें उसका सिलेबस देख लें। सिलेबस के बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ पूरे सिलेबस को थॉरोली कॉन्सेप्चुअली आपको कन्वर्ट पूरा करना होगा, आपको पूरा कंप्लीट करना होगा दोस्तों। और जो भी आप सोचें उसको एग्जीक्यूट करें। कहने का मतलब, आपने अगर आज सोचा कि मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा तो सोचने से नहीं होगा दोस्तों। पेन पेपर उठाएं, पेज मेज पर बैठें, टेबल पर बैठें, जहां भी बैठें पढ़ना शुरू कर दें। अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि आप हर सब्जेक्ट पे बराबर बराबर ध्यान दें। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपकी स्ट्रांगनेस कहां पर है, आपकी वीकनेस कहां पर है। आपको सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेनली दोस्तों एसएससी में आपका रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके पूछा जाता है। अब आप देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, क्या आप मैथ और इंग्लिश में कमजोर हैं, क्या आप जीके और रीजनिंग में कमजोर हैं, क्या आप जीके और मैथ में कमजोर हैं। तो आप उन सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए, और उन सब्जेक्ट में दोस्तों ऐसा नहीं कि आपका पूरा सब्जेक्ट ही वीक होगा, कुछ टॉपिक्स आपके वीक होंगे। जैसे मान लीजिए किसी का अर्थमेटिक वीक है, किसी का अल्जेब्रा वीक है, किसी का दोस्तों एडवांस मैथमेटिक्स कमजोर है, तो आपको देखना होगा कि कौन कौन से टॉपिक मेरे वीक है और उस टॉपिक पर आपको विजय पानी है, उस टॉपिक पर आपको मेहनत करना है। अगर आप उसको करने में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब आपको उसी एग्जाम में पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं एक सर एग्जाम देने जाते हैं डर जाते हैं, सभी चीजें भूल जाती हैं। तो दोस्तों इसमें आपका सबसे बड़ा एरर ये है कि जब आप परीक्षा घर पर देते हैं, जब आप कोई पेपर घर पर सॉल्व करते हैं, तो आप ये सोच लेते हैं कि मैं घर पर हूं और इसे कौन चेक करने वाला है, इसे तो मैं चाहे जैसे दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर जाकर मैं अच्छा कर लूंगा। और जिस दिन दोस्तों आप ये बात सोच लेते हैं कि मैं वहां पर जाकर अच्छा कर लूंगा, उसी दिन आप उस रेस से बाहर होते हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रेस से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ध्यान से सुनिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो जीने मरने का सवाल है, जिनके लिए नो वे आउट है, यानी कि वो उसी एग्जाम को निकालना चाहते हैं, उसके लिए वो अपना सब कुछ दे रहे हैं। तो दोस्तों आप थोड़े एफर्ट में कैसे उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आप खुद से सोच के देखिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगली बात, अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी को, रणनीति को तय करिए, किस तरह से आपको एग्जाम देना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, उस एग्जाम की डिमांड को समझिए। मैं दोस्तों बार बार कहता हूं किसी भी एग्जाम को निकालने का केवल एक ही सूत्र है, उस एग्जाम की डिमांड को समझिए कि आपसे एग्जामिनेशन अथॉरिटी, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी क्या चाहती है, वो एग्जाम आपसे क्या चाहता है, कौन सी स्किल है जो वो एग्जाम आप में खोजना चाह रहा है। मैं आपको बता दूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के 3 तरीके हैं, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इन तीनों स्किल में निपुण हैं, अगर आप इन तीनों स्किल में अच्छे हैं दोस्तों, अगर आप इन तीनों स्किल में विजय पाते हैं, बहुत अच्छा करके दिखाते हैं, अगर आप तीनों स्किल में दोस्तों अपना 100% देते हैं, तो वो दिन दूर नहीं, वो मुकाम आपको जल्दी हासिल होगा जो आप पाना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं इन तीनों का महत्व क्या है। जैसे मान लीजिए आपको पूरा पेपर आ रहा है,
लेकिन आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं और आपको 100 के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूं, लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है, तो दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना तेज समय बीतता है और जब कंप्यूटर पर टाइम चलता है, टाइमर चलता है, या जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं आपकी OMR सीट आपके सामने होती है और जब क्लॉक की समय धीमे धीमे बढ़ती है, तो वैसे हमारा माइंड का सेटअप भी चेंज होता है, माइंडसेट भी हमारा चेंज होता है, हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा आने लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी। ऐसा नहीं, स्पीड का मतलब ये नहीं कि आपको 60 मिनट का पेपर आप 15 मिनट करके बैठ गए, ऐसा भी नहीं दोस्तों। एक्यूरेसी का मतलब आप 10 क्वेश्चन करें तो 10 में 10 आपके सही होने चाहिए। गलत मत अटेम्प्ट करिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत लोग बाहर इसलिए होते हैं कि माइनस मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है। और दोस्तों एक बार जान लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ पॉइंट से ही आप बाहर होते हैं। एक पॉइंट पे कई सारे बच्चों की रैंक होती है, उस पॉइंट में भी देखा जाता है कि कौन सब्जेक्ट में किसका ज्यादा नंबर है, उस बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलता है, उस बेसिस पे आप सेलेक्ट होते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो उनको आता बहुत कुछ है, उनकी स्पीड ही नहीं होती है, और अगर स्पीड है तो एक्यूरेसी नहीं है। तो दोस्तों वो एक्यूरेसी किसी काम की नहीं जिसमें स्पीड, दोस्तों आपके पास स्पीड हो लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, वो एक्यूरेसी भी किसी काम की नहीं है जब आपके पास स्पीड ना हो। तो तीनों ही स्किल अपने आप में जुड़ी हुई है। अगली बात, अगर आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, अब आप पूछे गाइडेंस कैसे लें, कैसे सीखें, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को लेकर बैठ जाइए और देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से पूछे गए हैं, और जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उसमें अपनी मास्टरी हासिल करिए, उसमें नॉलेज हासिल करिए, इधर उधर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि बुक्स कौन सी लें, कौन सी बुक्स को प्रेफर करें। तो देखिए दोस्तों, जो टॉपर्स होते हैं वो 10 बुक नहीं रखते हैं, लेकिन एक बुक को वो 10 बार पढ़ते हैं, इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको एक लाइन में समझनी है मेरी बात, तो आप ये समझ लीजिए कि जो टॉपर्स होते हैं वो 10 बुक अपने पास नहीं रखते, वो एक बुक रखते हैं, उस बुक को एकदम दोस्तों ग्रंथ की तरह पढ़ते हैं, 10 बार उसको पढ़ते हैं, क्योंकि वो उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं। अब उसके बाद आपको कोई और बुक मिला करके देंगे तो बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से हल कर लेंगे। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं, जिसमें क्वेश्चंस कई प्रकार के बनते हैं, तो बहुत लोग क्या करेंगे कि राजेश वर्मा भी ले लेंगे, राकेश यादव भी ले लेंगे, RS अग्रवाल भी ले लेंगे, 3-4 बुक उनके पास हो गई। अब वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपने सेट लगा दिया, आपने अपने अलमीरा पे रख दिया और देखने में लग रहा है कि हाँ मैं बहुत पढ़ने वाला लड़का हूँ, मेरे पास 4-4, 5-5 किताबें हैं। लेकिन आप मान लीजिए ऐसे बच्चे एक किताब को भी अच्छे से हल नहीं करते, लेकिन दोस्तों जिसके पास केवल एक बुक होगी, जिसके पास संसाधन सीमित होंगे, वो दोस्तों बहुत अच्छा कर लेता है। जिसके पास अत्यधिक संसाधन होते हैं वो कुछ भी लाइफ में नहीं करता, ये बात आप जान लीजिए। और कोई भी अगर सफल हुआ है दोस्तों, तो उसके पीछे उसका दोस्तों उसकी स्कैरसिटी है, उसके पास वो चीज़ नहीं है, उसको वो चीज़ चाहिए, इसलिए वो सफल हुआ है। अगर आप ही को मैं सभी चीज़ लाकर दे दूंगा तो बिल्कुल आप सफल नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने एक बुक ली, जैसे मान लीजिए आपने राजेश वर्मा ले ली या राकेश यादव ली, अब उस बुक को आपने 3-4 मल्टीपल टाइम सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद आपको कोई बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों कोई भी ऑथर बेकार नहीं है, कोई भी ऑथर बेकार नहीं होता है, क्योंकि वो उस परीक्षा को दिया होता है, उस परीक्षा के पैटर्न को समझता है, और दोस्तों अपनी जितनी भी उसकी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितने भी उसके अनुभव होते हैं दोस्तों, जितने भी उसका एक्सपीरियंस होता है, सब वो ला करके उसमें डालता है, अपने हिसाब से वो बेस्ट देता है। हमारी गलती होती है कि हम उस बुक को पूरा फॉलो ही नहीं करते, थॉरोली पढ़ते ही नहीं है। दूसरी चीज, आपको अपना एग्जाम की तरह माइंड ट्रेन करना होगा, ट्रेन योर माइंड। हाँ दोस्तों, आपको अपना माइंड एग्जाम के अकॉर्डिंग ट्रेन करना होगा। आपको ये देखना होगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम में कौन कौन सी स्किल मुझे चाहिए, क्या मुझे करना होगा कि मैं औरों से जल्दी, औरों से अच्छा इस एग्जाम में कर पाऊँ। दूसरी चीज, सेल्फ से कम्पीट करिए। कहने का मतलब, और कम्पीट आप कैसे करेंगे, जब आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जब आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, आप ये देखेंगे कि मैंने पिछले टेस्ट से कितना मार्क्स एनालाइज अच्छा किया, कितना मार्क्स उठाए मैंने, कितने मार्क्स मेरे कम हुए। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो अपने को सेल्फ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों टाइम को आप शेड्यूल करिए। सबसे पहले सोने का समय, जगने का समय आप शेड्यूल कर लीजिए। अब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे सर आप इस बात को क्यों कह रहे हैं, तो मैं इस बात को आपको बता दूं, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। सबसे पहले तो ये सीमित करिए कि मैं कितने बजे सोऊंगा, मुझे चाहे जितना भी काम हो, मैं इस टाइम मुझे सोना है, मुझे इस टाइम जगना है। इससे क्या होगा कि आपका दिन अपने आप ऑर्डर में आ जाएगा। आप सोचिए, अगर आप 12 बजे सो रहे हैं और आप 10 बजे सुबह उठेंगे, तो दोस्तों आपके माइंड में खुद ही इतना प्रेशर रहेगा कि अरे मैं लेट उठा, मैं नहीं पढ़ पाया, तो इतनी निगेटिविटी आपके माइंड में बढ़ी होगी कि आप पढ़ने भी बैठेंगे तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका समय डिसाइडेड है कि मैं 10 बजे सो जा रहा हूं, मैं 3-4 बजे 5 बजे उठ जा रहा हूं, आप 10 बजे सोइए, 5 बजे उठिए, आप 6-7 घंटे की नींद लीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन उस टाइम को फिक्स कर लीजिए कि मैं 12 बजे अगर सोऊंगा तो 10 बजे ही उठूंगा, उसके पहले मैं नहीं उठूंगा, लेकिन हां जब से मैं उठूंगा अपने दिन को पूरा प्रोडक्टिव बनाऊंगा, बहुत अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा करना चाहता हूं। ये दोस्तों चाहता हूं और करने में बहुत अंतर होता है, तो आपको बहुत अच्छा करना है बिल्कुल। अगली बात, बहुत लोग पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड एग्जाम में अंतर, तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप मार्किंग होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कितने स्टेप में सवाल सॉल्व कर रहे हैं इसका मैटर नहीं करता। बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ ये मैटर करता है कि आप आंसर को सही टिक कर रहे हैं या नहीं। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपसे बस ये पूछा जाएगा, आपके OMR सीट पे बस ये देखा जाएगा कि आपने ऑप्शन टिक किया है या सही है नहीं, ये आपसे नहीं पूछेगा इसमें कितने स्टेप हैं, आपने सवाल को कैसे लगाया है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका शॉर्टकट,
अब आप शॉर्टकट सीखेंगे कैसे, वो आप सीखेंगे प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। सिर्फ अभ्यास ऐसी चीज है जिससे आप शॉर्टकट को सीख सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अभ्यास ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स रहेंगी नहीं, तो आप एग्जाम में कर ही नहीं पाएंगे और एग्जाम आपको ऐसा लगेगा कि एक एग्जाम दे रहे हैं अगले में करूंगा। दोस्तों अगले में जिस दिन आपने सोच लिया फिर आप समझ लीजिए कभी आप नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचिए मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, डू और डाई, इसमें मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे दोस्तों SSC अपनी एग्जाम हर साल कराती है, मल्टीपल पेपर्स कराती है, 4 से 5 पेपर कराती है। तो बहुत लोग क्या होते हैं जिनका टारगेट होता है CGL, जिनका टारगेट होता है CHSL, जिनका होता है MTS में जाना, तो वो अपने टारगेट को देख लेते हैं कि मुझे वहां पहुंचना है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, अरे 5 पेपर है, मैं CGL निकालूंगा तो CHSL निकालूंगा, MTS निकालूंगा, और आप देखिए वो 3-3, 4-4, 5-5 साल रगड़ते रह जाते हैं, तैयारी करते हैं, वो कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि वो फोकस ही नहीं, उनको पता नहीं कौन सा एग्जाम उनको देना है, कौन सा एग्जाम क्रैक करना है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन है कि मैं SSC दूं कि बैंक। तो दोस्तों ये जिंदगी भर आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। सबसे पहले देख लीजिए कि मैं किस एग्जाम के लायक हूं, मैं क्या कर सकता हूं, किसी के कहने पर मत बनिए। आप क्या बन सकते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं वो देखिए। कि आपने किसी ने कह दिया IAS बनो और आपका इंटरेस्ट दूसरे फील्ड में है तो आप IAS के लिए तैयारी करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को देखिए, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसा कर सकता हूं, किस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूं, किस फील्ड में मेरी एक्सीलेंसी आ सकती है। हो सकता हो कि आप पढ़ाई में ना हो, आप किसी और स्किल में हो, तो अपनी स्किल को ही पॉलिश करिए। मिलेंगे दोस्तों।